कि इसके अंदर क्या है। ओके आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल बाय नाउ। स्क्रीन इज विजिबल बाय नाउ। यस यस सर। सर। तो आर ओ ई और आर ओ सी तो अच्छा ही है। पी 50 का कुछ ठीक है, आज के जमाने में पी 50 का ज्यादा है कम है, दैट शुड नॉट बी द क्राइटेरिया। फर्स्ट लेट्स गो एंड लुक एट द बैलेंस शीट। सो व्हाट हैव दे डन। तो फ्रॉम दिस 2016 टू 2017 द इक्विटी फ्रॉम 5 हैज गॉन टू 10। लेट्स टेक 2015, दिस 15 एंड 16 एंड ये सब चीजें होगी। यहाँ इनका पब्लिक इशू आया था और यहाँ इन्होंने बोनस दिया था। तो द पब्लिक इशू केम एट अलॉटेड एट अ प्रीमियम ऑफ 98 रुपीज पर शेयर थ्रू आईपीओ। तो दिस इज अ बोनस इशू इन 2016 एंड अ पब्लिक इशू इन 2017, दैट इज द रीजन योर शेयर कैपिटल हैज गॉन अप। तो वेन यू इशू शेयर इन आईपीओ, डेफिनेटली आप प्रीमियम पे कर रहे हैं, एट पार तो कर नहीं रहे, तो योर रिजर्व विल ऑल्सो हैव द प्रीमियम विच यू हैव कलेक्टेड फ्रॉम द पब्लिक। 16 एंड 17 में जब मैं इशू करता हूँ प्रोसीड्स फ्रॉम शेयर, चलो यहाँ 18 में आ रहा है आई थिंक, यहाँ 34 करोड़ उठाया है एंड ये चीज हुई है। वॉट इज द रीजन फॉर दिस इंक्रीज इन इक्विटी शेयर्स, दिस इंक्रीज इन इक्विटी शेयर देख रहे हो, फ्रॉम डाइल्यूशन सर। टू थाउजेंड कंटिन्यूस डायल्यूशन। 19 में, 19 और 20 और 21 में 13 का 14 हुआ, यहां से ये 29 हुआ, 29 से ये 32 हुआ, कंटिन्यूस डायल्यूशन। लेट्स लुक एट द कॉर्पोरेट एक्शन, कन्वर्जन ऑफ वॉरेंट्स, कन्वर्जन ऑफ वॉरेंट्स, ये इसने फिर एक बोनस इशू दिया 31 में, स्प्लिट बोनस कर दिया, यहाँ क्वालिटी ये क्यूआईपी करा है। कन्वर्जन ऑफ वारंट्स एट व्हाट प्राइस, 161 रुपीज। कन्वर्जन ऑफ वारंट्स एट व्हाट प्राइस, 161 रुपीज। तो जो बेचारा वारंट लेके बैठा था उसका क्या हाल हो रहा है अभी, लुक एट द प्राइस टुडे, 50 बक्स। जो बेचारा वारंट लेके बैठा था उसका क्या हाल हो रहा है अभी देखो। नाउ दे हैव टेकन अ क्यूआईपी, बड़े लोग इन्वेस्टर से पैसा उठाया है। अगर ये धंधा इतना ही अच्छा है, लुक एट योर डेब्ट, लुक एट योर पोजिशन ऑफ योर डेब्ट एंड देन लुक एट योर फिक्स एसेट्स। डेब्ट ज्यादा स्पीड से बढ़ रही है या हाँ, डेप ज्यादा स्पीड से बढ़ रही है या फिक्स एसेट ज्यादा स्पीड से बढ़ रहे हैं, राइट। अभी मेरी बैलेंस शीट आज 807 करोड़ की हो गई है, तो व्हाट कंस्टिट्यूट्स ऑफ माय बैलेंस शीट, 666 करोड़ आर अ कंपोनेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल द अदर एसेट्स। इसमें 325 करोड़ का मेरा ट्रेड रिसीवेबल्स है, 190 करोड़ का मेरा इन्वेंट्री है। Now look at the position of trade receivables. So definitely my trade receivables debtor days are very bad. And so on my inventory days are also getting bad. ऐसा नहीं आ रहा है, माल नहीं बिक रहा है। लेट्स गो एंड सी व्हाट दे डू, देखो क्या करते हैं लोग। सीएनसी मशीन्स बनाते हैं, इंडस्ट्रियल मशीनरी बनाते हैं, हाइड्रा एंड क्रेन्स फॉर फिजिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स विद इन फैसिलिटी। 1 लाख मेट्रिक टन कैपेसिटी फॉर स्टील गैल्वेनाइजिंग एंड 15,000 कैपेसिटी फॉर हैवी स्ट्रक्चर डिवीजन। क्लाइंट्स कौन कौन है इनके, एयरटेल, वाई, जियो, बजाज, अडानी सोलर, एलएनटी, टाटा प्रोजेक्ट, जिंदल स्टील पावर। 1 मिनट के लिए ये क्लाइंट्स को देखो और इस कंपनी की मार्केट कैप को देखो, ज्यादा है कम है वो क्राइटेरिया नहीं है। तो डू यू फील दीज क्लाइंट्स विल पे देम मनी ऑन टाइम और दीज क्लाइंट्स विल टेल देम कि
कि यार इफ यू हैव टू डू बिजनेस विद अस यू विल हैव टू डू द बिजनेस ऑन आवर टर्म्स। ये सुनो यस सर, लुकिंग एट द मार्केट कैप, यस सर, तो बड़ी कंपनीज लुकिंग के टर्म्स पे सर, हाँ बड़ी कंपनीज के टर्म्स पे भी करना पड़ेगा। तो व्हाट इज देयर रेवेन्यू स्प्लिट? 80% ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम स्टील स्ट्रक्चर्स एंड अदर्स, बाकी ईपीसी पावर ट्रांसमिशन एंड रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन से आता है। तो बेसिकली इनका एसेट हेवी वो सिक्लिकल कमोडिटाइज बिजनेस है। एस्टैब्लिश इन 2006 फॉर अ टावर मैन्युफैक्चरर, सालासर इंजीनियरिंग लिमिटेड हैज इमर्ज एज फास्ट ग्रोइंग स्टील स्ट्रक्चर मैन्युफैक्चरर एंड ईपीसी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी। फैब्रिकेटर्स होते हैं ना, हमारी देशी भाषा में बोलते हैं फैब्रिकेटर्स, फैब्रिकेशन का काम जो करते हैं ये बड़े लेवल पे वो काम करते हैं, ये बड़े लेवल पे वो काम करते हैं। नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम ओवर हियर? द प्रॉब्लम ओवर हियर इज लुक एट दिस। वन सेकेंड, व्हाट इज द प्रॉब्लम ओवर हियर? द प्रॉब्लम ओवर हियर इज दिस, लुक एट दिस, लुक एट दिस बॉक्स। 1617 में जब ये वो डाइल्यूट कर रहे थे या वो सब चीजें कर रहे थे, लुक एट द चेंजेस ऑफ दीज नंबर्स फ्रॉम 16 टू 17। ये वाला बॉक्स देखो आप, व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग 16 टू 17। Their sales went up by 24%, but their receivables went up by 32%. In the inventory, their inventory went up by 53%. चलो एक साल के लिए ये चीज हो सकती है, 17 से 18 में क्या हुआ? 18 से 19 में क्या हुआ? राइट, ये तो कोविड ईयर आ गया। अगेन 21 में क्या हुआ? लुक एट सेल्स, लुक एट रिसीवेबल्स एंड लुक एट इन्वेंट्री, व्हाट कंपोनेंट इज राइजिंग फास्टर? व्हाट कंपोनेंट इज राइजिंग फास्टर? ऑफ कोर्स अकाउंट रिसीवेबल्स एंड इन्वेंट्री वर्सेस सेल्स, रिसीवेबल्स बोथ बोथ रिसीवेबल्स एंड इन्वेंट्री बोथ आर राइजिंग फास्टर वर्सेस सेल्स। अगर ऐसा है तो हमारे जो ये रेशियोज हैं, लुक एट दीज रेशियोज, रेशियोज विल नॉट टेल यू दिस बट लुक एट द कंडीशन फ्रॉम हियर। अगर आप धंधा कर रहे हो, आपको किसी से पैसे लेने हैं, तो वो पैसे आपको आ क्यों नहीं रहे हैं? इफ आई गो टू द एनुअल रिपोर्ट ऑफ द कंपनी, मैंने शायद आपको एक इमेज भी पोस्ट किया था। इफ आई गो टू द एनुअल रिपोर्ट ऑफ द कंपनी एंड आई लुक एट बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के बाद क्या होता है? ये बैलेंस शीट जनरली अकाउंटिंग पॉलिसीज इसके आसपास बताते हैं, ये इनकी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज है कॉरपोरेट, एक सेकंड, इनकम टैक्सेस, कंटीजेंसीज, रीड दिस अकाउंटिंग पॉलिसीज, आपको उसमें बहुत अच्छे अच्छे इंसाइट्स मिलेंगी। चलो मेरे को स्पेलिंग बताओ, मेरी स्पेलिंग खराब है। क्या बोलते हैं? ट्रेड रिसीवेबल्स, RETEIVABLES, ट्रेड रिसीवेबल्स डू नॉट कैरी इंटरेस्ट, किसी धंधे में नहीं होता। एंड आर स्टेटेड एट नॉर्मल वैल्यू, ये सब चीजें ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल्स हो गए। ट्रेड रिसीवेबल्स आर रिटन ऑफ व्हेन द मैनेजमेंट डीम्स देम नॉट टू बी कलेक्टेबल, ठीक है, फेयर इनफ। इंपेयरमेंट ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, इन ये जो रूल्स हैं, मॉडल मेजरमेंट रिकॉग्निशन ऑफ इंपेयरमेंट लॉस फाइनेंशियल एसेट्स दैट आर डेट इंस्ट्रूमेंट्स एंड ट्रेड रिसीवेबल्स, मतलब वो एसेट जो मेरा खराब हो गया है उसको मैं इंपेयर कर दूंगा, उसको मैं राइट ऑफ कर दूंगा। लुक एट दिस, रीड रीड दिस पैराग्राफ।
एंड रीड दिस पैराग्राफ ऑल्सो, रीड जस्ट दिस टू पैराग्राफ, और इसका मतलब क्या है? एनीबडी? वो रिटेंशन मनी को सर सिक्योरिटी डिपॉजिट दिखा रहा है। हाँ, और रिटेंशन मनी को सिक्योरिटी डिपॉजिट दिखा रहा है। अगर आपने कोई ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर हो और आपने कोई काम किया है और कोई काम अच्छा हुआ है या नहीं हुआ, और क्लाइंट आपके पैसे काट रहा है कि यार ये काम आपने पूरा मुझे नहीं करके दिया, तो वो पैसे कहाँ जा रहे हैं? वो पैसे कहाँ जा रहे हैं? बैलेंस शीट में कहाँ आएंगे? वो पैसे यहाँ आएंगे, अदर एसेट्स और लोन्स एंड एडवांसेस यहाँ आएंगे। एंड इफ द कस्टमर सेज आई डोंट वांट टू पे दिस मनी टू यू, सो दीज अमाउंट्स कुड बी रिटन ऑफ। टू अंडरस्टैंड दिस जस्ट लुक एट दिस लुक एट द प्रोसीड। हाँ सर, ये रिटेंशन मनी ओनली रिटेंशन मनी है कि ये जो काट लिया पैसा वो भी इसी में है? रिटेंशन मनी के मतलब कस्टमर ने जो मेरा पैसा रोक लिया। हाँ, मतलब वो भी उसमें क्या होता है कि बेसिकली कोई भी इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट में रिटेंशन मनी का क्लोज होता ही है, मतलब 5% 10% एज पर दी जो वो बंदे का मार्केट में इमेज है उस हिसाब से कोई भी 5-10% का रिटेंशन होता है, क्योंकि प्रोजेक्ट के जो क्या बोलते हैं उसको वैल्यू के हिसाब से, और कितना 6 महीना, छोटा प्रोजेक्ट है तो 6 महीना रिटेंशन रखते हैं, बड़ा प्रोजेक्ट है तो 1 साल के लिए रिटेंशन रखते हैं, और वो 5% या 10% एज पर दी म्यूचुअल डिस्कशन वो यूजुअली होता है। हाँ, मुझे पता है, होता है। हाँ, तो मतलब ये पूरा रिटेंशन मनी उसमें दिखा रहा है, या जो अगर वो रिटेंशन में भी कुछ काट दिया तो भी वो लोन से एडवांस में दिख रहा है? लोन का एडवांस में दिख रहा है और बाद में वो राइट ऑफ आएगा। चलो एक काम करते हैं ना, आपने जो सवाल पूछा इसी को अपन आगे लेके चलते हैं। ओके, तो आपको पता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में जब भी मैं कोई शेयर बेचूंगा, शेयर बेच के पैसा उठाऊंगा, तो जितना प्रीमियम आएगा वो मेरा एंट्री यहाँ आएगा, 1 करोड़ 34 करोड़ 17 करोड़। तो 10 साल में या 12 साल में इसने 3 बार शेयर बेच के, वो स्प्लिट बोनस की बात अलग होगी, स्प्लिट बोनस से आपका नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाएंगे, पर उससे कंपनी को पैसा नहीं मिलता। So let's look at this 17 crores because this is a smaller number. Let's forget this one. Let's look at this 17 crores. In 2021, he issued shares and he got a premium of 17 crores. Right? Agreed? हाँ ना तो बोलो। जी सर, जी सर। So in 2021, this is from 13 to 14, he has issued 1 crore shares and he has got 17 crores of premium. So this 17 crore value is added somewhere around here. हाँ, so 238 minus 194 makes it 44 crores. So इसमें से 17 crores तो मेरे को पब्लिक से मिला 2021 का, और 2021 में मेरे पास प्रॉफिट कितना है? 30 crores? 22 और 30 करोड़ ना, so 30 करोड़ प्लस 17 crores टोटल मेरा रिजर्व बनना चाहिए था कितना? 47 करोड़ से, और मेरा रिजर्व बढ़ा कितना? 44 करोड़। बाकी के कहाँ? 3 करोड़ कौन खा गया? बाकी के 3 करोड़ कौन खा गया? आपको यहाँ दिखेगा नहीं, क्यों आपको यहाँ दिखेगा नहीं? क्योंकि इसने 3 करोड़ का राइट ऑफ ले लिया। मतलब मैं पब्लिक को शेयर बेच के पब्लिक से पैसा उठाता हूँ और उस पैसे को अपने घाटे में राइट ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि इसने छोटा प्रोजेक्ट में राइट ऑफ लिया होगा, ये कोई भी वैल्यूज आपको घटती भी नहीं दिखेगी, एवरी वैल्यू इज गोइंग अप, सो यू विल नॉट बी एबल टू मेक आउट फ्रॉम दिस बैलेंस शीट कि वेयर हैव द
स्टफ गॉन, बट एक्चुअली वो रिटेंशन मनी जो अभिषेक जी बोल रहे हैं कि जो पैसा काट लिया कस्टमर्स ने या जो रिटेंशन मनी है वो इट इज क्यूमुलेटिव, क्योंकि एक प्रोजेक्ट में चलो पैसा कट भी गया 3-4 करोड़ रुपए, तो उसको कैसे छुपाया जाए? अगर वो 3-4 करोड़ रुपए मेरा कट जाता था तो यह अदर इनकम में मेरे को लॉस दिखाना था ना, कोई लॉस आया क्या यहां पर? राइट, अगेन लेट्स लुक एट दिस 34 करोड़। सो 34 करोड़ वॉज मनी रेज्ड बाय सेलिंग शेयर्स इन 17 एंड 18। वॉट वॉज माई प्रॉफिट इन 18? कितना? 30 करोड़। सो 30 करोड़ में 34 करोड़ कितना हो गया? 64। यहाँ सॉरी यहाँ पर क्या हुआ? -87। 5 करोड़ कहाँ गया? So every time when this guy is diluting shares, giving shares to the public, 2-5 crore पे ऊपर के ये टोपी उड़ा रहा है. And what he has he done? Issuing shares worth of 34 crores of at a premium, 43 crores इसने debt लिया because his cash flows were negative. And why his cash flows were negative? For major two reasons, which were receivables and inventory. And this problem is throughout. Now, if you can do CAGR calculations, I'll ask you to do some CAGR calculations. See, I'm doing it live. मैंने ये कंपनी को पहले पढ़ा नहीं है, मैंने सिर्फ आज को सुबह देखा. I'm doing it live for you. तो ट्रेड रिसीवेबल्स हमारी शीट में हमने कहाँ रखे हैं? रिसीवेबल्स कहाँ गए यार? चलो बैलेंस शीट से उठा लेते हैं, इसको छोड़ो. तो ये हमारी बैलेंस शीट है. पिछले 10 साल में 2012 से 2022 तक, ये सितंबर को छोड़ो, ट्रेड रिसीवेबल्स मेरे 32 करोड़ से बढ़ के हो गए 293 करोड़. कितना परसेंट कैगर से मेरा ट्रेड रिसीवेबल बढ़ा है? कितना परसेंट कैगर से मेरा ट्रेड रिसीवेबल बढ़ा है, निकाल सकता है कोई? इजी है. 24.79. और 2012 से 2022 तक मेरा सेल्स का कैगर कितना है? 21%. So that means my receivables are growing faster than my sales, which is a big, big, big red flag in any business. पैसा मिलता ही नहीं मुझे. ठीक है, अभी 2017-18 जो हम ये सब चीजें कर रहे थे, समझ रहे थे, what did happen to my trade receivables? How much did it grow? When this guy diluted shares from 10 to 30, कितने मेरे trade receivables बढ़े थे? 72 crores ना? What was the what was the operating profit in 2018? 54. How is this possible? जब मैंने कमाया ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट 54 है, उसमें से मुझे टैक्स देना है, डेप्रिसिएशन देना है, इंटरेस्ट देना है, सब कुछ देना है, तो how can my receivables go by 74 crores? 54 से तो कम ही होना चाहिए ना. यस सर. 30 करोड़ का तो मेरा प्रॉफिट है, यानी कि 2 साल का प्रॉफिट तो घुस गया. नाउ लुक ओवर हियर, दिस गाय नेवर गिव डिविडेंड्स टिल हियर, नाउ ही स्टार्टेड गिविंग डिविडेंड्स बिकॉज मार्केट को डिविडेंड पसंद है. कौन से साल से डिविडेंड स्टार्ट किया? 18 से 22 तक.
और 18 से 22 तक जरा सर जी की जरा डेप्थ की पोजीशन देख लो। ओवरशैडो कर रहा है इसको। ये बैंक से कर्जा ले रहा है आपको 3-4% डिविडेंड देने के लिए, राइट? इज टेकिंग लोन्स टू पे यू डिविडेंड्स। व्हाट इज द क्यूमुलेटिव प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 10 इयर्स? 193 करोड़। व्हाट इज द क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज ऑफ द लास्ट 10 इयर्स? 53 करोड़। वेयर इज द कैश? एंड अबव दैट ही इज डूइंग इक्विटी राइट ऑफ्स, मतलब पब्लिक को शेयर बेचा, शेयर बेच के प्रीमियम पे पैसा उठाया और उसको राइट ऑफ कर दिया। जो लॉस की एंट्री यहाँ पास होनी चाहिए थी पीएनएल में, वो पीएनएल में पास नहीं होके सीधा के सीधा इक्विटी से राइट ऑफ की जा रही है। और वो अमाउंट 5-7 करोड़, इतना छोटा अमाउंट कोई देखता नहीं है, इसलिए बट वाई द 5-7 करोड़? टेल्स यू द इंटेंट ऑफ द मैनेजमेंट। हम अपने लॉस को छुपा नहीं पा रहे, अगर मैं वहां लॉस दिखाऊंगा पीएनएल में तो मेरा शेयर का प्राइस गिर जाएगा। और एक चीज मुझे बताना, 193 करोड़ आपने प्रॉफिट रिपोर्ट किया, 53 करोड़ आपके पास कैश आया, कौन सा ऐसा बेवकूफ का बच्चा है जो 134 करोड़ री इन्वेस्ट कर देगा बिजनेस में टू मेक एसेट्स? कौन करेगा? राइट, इन द लास्ट 10 इयर्स। नाउ दिस इज क्यूमुलेटिव इज री इन्वेस्टमेंट फ्रॉम 2013 पकड़ो, 2012 का डेटा नहीं आता इसमें, 2013 पकड़ो, 2013 से 2022 तक इसने 134 करोड़ री इन्वेस्ट किए। 2013 से 2022 में इसकी बोरिंग्स कितनी बढ़ गई? ये भी 22 की बोरिंग है वैसे, 7 करोड़। तो फ्रॉम 249 करोड़ -65 करोड़ कितनी बोरिंग बढ़ गई? कितना बढ़ गया? 184 करोड़। 184 करोड़ में से ये जितना भी इसने री इन्वेस्टमेंट किया है 134 का, अगर मैं 134 निकाल भी देता हूं तो मेरे पास कितना बचता है? 50 करोड़। राइट, नाउ इफ आई लुक एट द टोटल डिविडेंड्स पेड, दीज आर माई डिविडेंड्स पेड द लास्ट रिपोर्टेड पीरियड, विच इज अ सम ऑफ 12 करोड़। चलो 12 करोड़ मैंने डिविडेंड दे दिया, 38 करोड़ कहाँ गया और कहाँ पे लगाया? ऑफ कोर्स वर्किंग कैपिटल में लगाया। तो पूरी जिंदगी भर की कमाई प्लस बैंक के 38-40 करोड़ इसने वर्किंग कैपिटल में लगा दिया, उसके बावजूद भी इसका वर्किंग कैपिटल का स्ट्रेस खत्म नहीं हो रहा, ये शेयर बेच के प्रीमियम उठा के पब्लिक के पैसे को भी राइट ऑफ कर रहा है वर्किंग कैपिटल में। नाउ इफ यू ओपन दीज इयर्स रिपोर्ट्स, व्हाट आई कैन अश्योर यू, दीज ट्रेड रिसीवेबल्स जो इसने रिसीवेबल्स दिखाए हैं, एक्चुअली दीज आर फ्रॉड। व्हाई आर दीज ट्रेड रिसीवेबल्स आर फ्रॉड? दीज ट्रेड रिसीवेबल्स आर हिडन ओवर हियर एंड रीग्रुप्ड एट एज फिक्स्ड एसेट्स। राइट, ये चीज आप जाके देख सकते हो। नाउ यू गिव मी 126, 130 करोड़ ऑफ एसेट्स, 130 करोड़ एसेट का डेप्रिसिएशन 7 करोड़ होगा क्या? और जबकि मैं काम क्या कर रहा हूं, मैं काम क्या कर रहा हूं, आई एम डूइंग अ दिस हैवी स्टील का वर्क एंड पावर जनरेशन वर्क एंड ऑल दिस वर्क, और स्टील गैल्वेनाइजिंग की मेरे पास वो है। तो 7 करोड़ डिवाइड बाय 130 करोड़, मोटा मोटा 4-5% का डेप्रिसिएशन आ रहा है। चलो स्टिल आई कैन से साउंड्स रीजनेबल। दीज ट्रेड रिसीवेबल्स आर रीग्रुप्ड एंड हिडन ओवर हियर बिकॉज व्हेन दे विल बी डेप्रिशिएटेड इट वुड बी अ नॉन कैश एक्सपेंस। और अगर मैं यहां पर राइट ऑफ ले लेता हूं तो मेरे को लॉस दिखाना पड़ेगा। किसी भी क्वार्टर में क्या भाई साहब ने ट्रेड रिसीवेबल्स को राइट ऑफ लेके कभी लॉस दिखाया? शायद नहीं दिखाया हो। लेट्स 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 हैव अ लुक। स्टील स्ट्रक्चर, ईपीसी प्रोडक्ट्स, रिसीवेबल तो बैलेंस शीट में आएगा
तो हर जगह बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो व्हाई व्हाई आई से दिस कि इसने रिसीवर्स को रीग्रुप किया है इन 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 फिक्स एसेट्स टू शो अ लोअर पिक्चर। अगर वो ये सब चीजें नहीं होती तो ये रिसीवर्स आपके, अभी जो हमने कैलकुलेट किया था, 32%, 32% से भी ज्यादा स्पीड से बढ़ रहा होता। दैट आई विल हैव टू लुक डीपर इनटू इट एंड गो एंड सी कि हाउ दे हैव डन दिस, बट डेफिनेटली दे हैव डन दिस। अ स्मॉल जिस्ट ऑफ सालासर टेक एंड योर प्राइस एक्शन, योर चार्ट हैज रिजन फ्रॉम 20-25 रुपीज टू 50 रुपीज एंड दिस इज योर ब्रेकआउट। ये लाइन यहाँ बना देता हूँ, दिस इज योर ब्रेकआउट लाइन। और मुझे तो ये भी सुनने को मिला कि इस कंपनी के वो 100 रुपीज या 200 रुपीज के भी प्राइस टारगेट्स हैं, विच पता नहीं आ सकते हैं या नहीं आ सकते, आई डोंट नो, बट द वे दे आर कंडक्टिंग देयर बिजनेस, दे आर एम फॉर अ धमाकेदार कॉरपोरेट एक्शन और धमाकेदार फंसने वाला काम या मरने वाला काम। अभी 26 रुपए में आपने QIB को दिया है तो आपको उनको तो पैसा कमा के देना है, राइट? ये तो कौन आएगा आपके पास? और ये टारगेट्स इसलिए आते हैं कि जब QIB 26 का 50 डबल कर चुके हैं एंड दिस इन्वेस्टर्स एंड सी सर्टेनली यू सी दिस FIIs कमिंग ओवर हियर एंड यू बी वेरी हैप्पी विद इट कि यार अचानक से 0%, 0.1% से 12% FIIs आ गए हैं, तो समथिंग गुड इज हैपनिंग एंड FIIs आर बाइंग दिस कंपनी, FIIs आर बाइंग दिस कंपनी। तो लेट्स लुक एट समथिंग मोर। मेरी आवाज आ रही है ना, कोई कुछ बोल नहीं रहा यार, क्या था वो सर आ रही कैपिटल? है, आ रही सर। तो इज इट नाइस टू सी हाउ वी द रिटेल हैव बीन आर बीन फूल्ड ऑलवेज। स्पेलिंग ठीक है, काला सर ये ना, काला सर टेक। एक सेकंड फोन आ गया। हाँ जी, पिक्चर आपके सामने है। फ्लोट कहाँ पे है वो आपको दिख सकता है। लुक एट द पोजीशन ऑफ द फ्लोट, क्या फ्लोट की पोजीशन देखो। ये सारा 2022 का डेटा है एंड लुक एट द होल्डिंग ऑफ द प्रमोटर। द प्रमोटर इज होल्डिंग 63% एंड ये कितना हो गया 75%, बट एक्चुअल पोजीशन क्या है? दिस द एक्चुअल पोजीशन। टू हंड्रेड एंड 47 शेयर होल्डर्स हैं जिनके पास 1001 शेयर से 2000 शेयर के बीच में है, विच इज 1.3%, 521 एंड 21,576। हमारे जैसे जो पंटर लोग होते हैं, एक सेकंड। हाँ जी, हाँ, समझ समझ गए। सोचो हो जाएगा। हाँ जी, तो कितने शेयर्स टोटल हमारे, कितने शेयर होल्डर्स हैं इस कंपनी के अंदर? 22,720 शेयर होल्डर्स, जिसमें से 21,576 शेयर होल्डर जो हैं जिनके पास 1 शेयर से 500 शेयर के बीच में, विच कंस्टिट्यूट ऑफ 94.96% ऑफ द शेयर होल्डर्स
बट विच कंसिस्ट ऑफ जस्ट 4.73% ऑफ द शेयर्स. तो अगर आप लोगों के पास खबर आती है, इंटरनल खबर, तालासा टेक ले लो, 100 रुपये हो जाएगा, 500 रुपये हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, तो डेफिनेटली आप इस कैंप में या ज्यादा से ज्यादा इस 1 और 2 के अंदर आपकी कहानी खत्म हो जाती है, मैक्स टू मैक्स. या मान लो 1, 2 और 3, एनीबडी ओवर ईयर 50 रुपीज शेयर, आई वॉन्ट टू बाय 10,000 शेयर्स. एनीबडी? कोई है जो बाई करेगा 10,000 शेयर्स 50 रुपए का भाव देख के और टेक्निकल ब्रेकआउट देख के? 5,000 प्रोस्पेक्ट पता होना चाहिए आगे का. प्रोस्पेक्ट तो मैंने, प्रोस्पेक्ट तो भी मैंने आपको मोटा मोटा बता ही दिया ना कि क्या हो रहा है वो सब. अगर मैं टेक्निकल ट्रेडर की बात कर रहा हूँ जिसको फंडामेंटल का एफ नहीं पता, क्या वो 10,000, 5,000 शेयर लेगा? 10,000 शेयर कितने, 10,000 शेयर कितने के हो गए 50 रुपए के हिसाब से? 5,00,000 रुपए का. कोई टेक्निकल ट्रेडर जिसका 20 लाख या 30 लाख का ट्रेडिंग अकाउंट होता है वो लेगा? नहीं लेगा सर. 4,000 लेगा या 5,000? 1,000 से ज्यादा नहीं लेगा सर. अगर 20-25 लाख का पोर्टफोलियो है तो 1,000-1,200 से ज्यादा नहीं लेगा. ये आगे ना कहानी. और अगर होता तो आज तक क्यों नहीं लिया? 94.96 राइट, प्लस 2.29 प्लस 1.09, दिस मेक्स इट 98.34% ऑफ द शेयर होल्डर्स. आज तक कोई 2,000 के ऊपर गया ही नहीं ना. छोटे छोटे शेयर होल्डर्स जो है और मेरी बात समझना, जो प्रमोटर है जो यहां पर बैठा हुआ है उसकी काउंटिंग यहां भी तो आएगी, उसकी काउंटिंग यहां भी तो आएगी. सॉरी, राइट, योर स्वीट कंपनी तालासा टेक. एंड अगर मैं इक्विटी हिस्ट्री की बात कर रहा हूं तो ये इस बंदे की इक्विटी हिस्ट्री है जो इसने शेयर्स इशू करे हैं. सी, इन 2015 इट वाज लोन कन्वर्जन, द लोन वाज कन्वर्टेड टू इक्विटी. ये बोनस हो गया, पब्लिक इशू हो गया, कन्वर्जन ऑफ वारंट्स, कन्वर्जन ऑफ वारंट्स, बोनस, सब डिविजन ऑफ शेयर्स, कॉल इट ये प्लेसमेंट, 26 रुपए के भाव पे इतना इंक्रीज इन इक्विटी किया और इतना उसने दिया. चेंजेस इन रिजर्व्स, इतना इतने वैल्यू से इसका रिजर्व बढ़ गया 2022 में, मतलब मोटा मोटा 79 करोड़ से. तो ये रहा आपका 79 करोड़ से. तो ये जो आपका रिजर्व बढ़ा है यहां से यहां, ये कितना बढ़ा है? 91 करोड़ से. तो इसमें से 79 तो आपने QIP से पैसा उठाया है ना, दिखी रहा है ना, 78.9 चेंजेस इन रिजर्व्स, यस और नो? बोलो बोलो. They got a premium of 26.3 rupees, and this was the amount which has gone to their reserves. How much amount has gone to? What is the difference over here? कब किया था इन्होंने? September में. September 2022, तो March 2022 के बाद ही आता है. और ये September की balance sheet है, 29 से 32 हो गया, 3 करोड़ share मैंने बेचे, ये रहे 3 करोड़ share. और मेरा reserve कितना बढ़ गया? Calculate करो ना. अरे यार दो तो करो. 91 करोड़ में से 79 तो पैसा कहां से उठाया? QIB से, FII से. QIB, हाँ FII हो गया या QIB हो गया, जो भी हो गया. तो दो क्वार्टर में, क्योंकि मार्च और सितंबर में Q1 और Q2 आ गया, दो क्वार्टर में मेरा कितना प्रॉफिट आया? 7.3 प्लस 7.51 प्लस 7.51
मेक्स इट 14.82 करोड़। 91 करोड़ माइनस 79 करोड़ बचता है 12 करोड़, माइनस 14.82 करोड़, 2,82,00,000 यहां भी खा गया। जो भी इसका प्रमोटर है वो खुला कह रहा है कि यार मैं दोनों हाथों से आपको लूट रहा हूं और आप आओ मेरा शेयर लो और लुट जाओ। दिख रही कहानी? नीरज जी ने कैलकुलेट किया था 91 करोड़, 91 करोड़ में से मैंने 14,82,00,000 तो दो क्वार्टर में प्रॉफिट कमाया ना, 7.51 एंड 7.31, 14,82,00,000। तो 79 करोड़ मेरा वो है, एक सेकंड, हाँ सर, बोल बोल रहे तुम, मैं बोल रहा, मेरे को 5 मिनट लगे, मैं कोई कॉल में था, 5 मिनट में बोल देता हूँ, ठीक है। तो 91 में से अगर मैं 79 निकालता हूँ जो मैंने QIB से पैसा उठाया, तो 12 करोड़ बचा, और यहाँ मेरा प्रॉफिट है 14,82,00,000। चलो एक मिनट के लिए मान लो ये 78.9 है, तो 14.82 माइनस 12, 2.82 का लफड़ा, 0.1 लग, 10 लाख और 2,72,00,000 रुपए, सॉरी अगर आपको हिंदी नहीं समझ में आ रही, 2.72 करोड़ ये यहां भी खा गया। एंड दिस 2.72 करोड़, व्हाट हैज ही डन? ही हैज डेफिनेटली रिटेन ऑफ हिज रिसीवेबल्स, एंड द रिसीवेबल्स आर ग्रोइंग एट सच अ फास्टर पेस कि इफ यू इवन इफ यू डू अ फंड फ्लो एनालिसिस यू विल नॉट फाइंड द चेंजेस इन द नंबर्स इन द बैलेंस शीट ओवर हियर। सालासर टेक, गुड कंपनी, एक्सेलेंट मैनेजमेंट, एक्सेलेंट एवरीथिंग, राइट? आप बोलो तो थोड़ा और R&D करें या छोड़ दें? समझ में आ गया होगा कि क्या है ये कंपनी। यस सर, लुक एट दिस 2021, लुक एट दिस 2021, हाउ मेनी नंबर ऑफ शेयर्स गिवन, व्हाट इज द चेंज इन रिजर्व्स, व्हाट इज द चेंज इन रिजर्व्स, एंड व्हाट इज द प्रीमियम पर यूनिट, 0.46 लाख इक्विटी बढ़ा, 4,55,000 शेयर दिया, कितना रिजर्व आना चाहिए, 7.33 करोड़, ये कब है, मार्च ऑफ 2021। तो ये मेरा 2021 में है, यहां पर मेरा वो वैल्यू बढ़ी क्योंकि मैंने शेयर्स बेचे, और 7 करोड़ मेरा यहां पर आना चाहिए। तो 2020-21 में, 2020 और 21 में कितना मैंने प्रीमियम उठाया, 17 करोड़, वो हम देख चुके हैं पहले, और प्रॉफिट और ये प्रीमियम को उठाओ तो यहां भी इसने राइट ऑफ लिया हुआ है। बेसिकली एवरी ईयर, ऑलमोस्ट एवरी ईयर इज टेकिंग एन इक्विटी राइट ऑफ। वो लॉस जो एक्चुअली पीएनएल से होके गुजरना चाहिए था वो एंट्री पीएनएल में आई नहीं रही है। बट व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज हैपनिंग, ये रहा साला सटेक। देखो यार, RSI भी तेज है और स्टॉक भी तेज है और मूविंग एवरेज भी ऊपर है, सब कुछ ऊपर है, ब्रेकआउट ब्रेकआउट ब्रेकआउट, कोई ले रहा है क्या इसको? 100 रुपये हो जाएगा, ले लो ले लो ले लो। ये प्राइस एक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है और भी, हाँ, क्या बोल रहे हो, आवाज कट रही है मेरे को। मैं बोल रहा हूँ इसमें अभी लास्ट के 2-3 मंथ्स में ना काफी स्वैपिंग हो रही है, एक प्लेयर निकल रहा है दूसरा आ रहा है, छोटे छोटे हैं बट 10-1 करोड़ का माल कोई बेच रहा है, कोई दूसरा ले रहा है। हाँ, तो लॉस प्रॉफिट की एडजस्टमेंट हो रही है ना, कुछ कंपनियां होती है ना जो काले को सफेद और सफेद को काला करते हैं, किसी को लॉस चाहिए किसी को प्रॉफिट चाहिए, एडजस्टमेंट चल रहा है। सर ऐसी कंपनीज का मैं थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, कोई ले रहा है क्या? ले लो यार, प्राइस ब्रेकआउट है यार, वो क्या बोलते हैं टेक्नो फंडा से उसका वो घोरा है। एनी 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 बायर्स इन सालासर टेक सर, ऐसी कंपनीज का
छोटा मेरा एक्सपीरियंस में शेयर करना चाहता हूँ यहाँ पे। मतलब हमारा जो प्लांट बन रहा था मुंद्रा में, तो हमने काफी ऐसे मतलब इतने बड़े नहीं लेकिन काफी छोटे जो सेम टाइप ऑफ काम करते हैं अदानी के साथ, ऐसे 6-7 हम कॉन्ट्रेक्टर को हम लोगों ने मतलब काम किया था। जैसे वो लैंड फिलिंग का होता है, मतलब इंटरनल रोड्स वगैरह, बाउंड्री जो बनाते हैं, बाउंड्री वॉल्स वगैरह। तो इन लोगों के बिजनेस में सर डिसएडवांटेज मतलब ये जो अदानी के साथ मैंने देखा है उन लोगों का कि क्या रहता है कि वो जो रिटेंशन मनी उन लोगों का रखते हैं, से 10% उसका रिटेंशन मनी रखा, तो अगर उसको नेक्स्ट काम कंटिन्यूएशन में चाहिए तो उसमें से 10% में से 5% वो लोग नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में एडजस्ट कर लेंगे और इसमें देंगे नहीं। तो दे वुड ऑलवेज बी इन अ कैश क्रंच। मतलब अब कुछ कितना भी उसको 10 करोड़ या 15 करोड़ का 20 करोड़ का प्रोजेक्ट मिलता है तो वो वर्कर्स में ही चला जाता है और मटेरियल में भी चला जाता है। मतलब दे वुड ऑलवेज बी इन अ कैश क्रंच। तो ये मतलब कुछ ऐसा ही कंपनी है कि कभी भी कितना भी उसको ऑर्डर मिला, प्रॉफिट मिला, लेकिन ये ऑलवेज कैश क्रंच में ही रहेगा। बट चार्ट इज चार्ट से डूइंग ब्रेकआउट सर, वो चार्ट तो अभी एक अलग बात है। सर फिर उसको बेचने के लिए सोचना पड़ेगा सर, लेने के लिए तो ले लेगा, फिर बेचने के लिए सोचना पड़ेगा। नहीं नहीं सोचो मत, आपको एक चीज और दिखाता हूँ, एक चीज और दिखाता हूँ। Now what they have done is they have I hope my screen is visible again. Yes sir, visible. Security deposits includes retention money with EPC customers which will receive on completion of the project. Now this line gives me goosebumps again. Why? Again go to the balance sheet. Or सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमारे लोगों की होती है कि वी डोंट रीड द सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज। इसका जो टर्नओवर है, सेल्स, जिसको हम सेल्स बोलते हैं, अरे यार कितनी फोने आएगी, हाँ क्या हो गया, हाँ बना दो होगी मेरी बात होगी। यूज ऑफ एस्टिमेट्स, कंटिजेंसीज, बेसिस, इनकम टैक्सेस, सेल्स का कहाँ देखा है इसने, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इसका सेल्स का देखो, ये सेल्स कैसे कर रहा है, क्लासिफिकेशन, फाइनेंशियल, डी रिकॉग्नाइजेशन, सेल्स कहाँ गया, हाँ ये ये पढ़ना जरा, ये वाला पढ़ना, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज एट द एलोकेबल ट्रांजेक्शन प्राइस विच रिप्रेजेंट्स द कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्मेंस ऑन द कॉन्ट्रैक्ट प्लस बेसिस। मतलब मैंने जितना खर्चा किया उसमें मैं मेरी मर्जी का मार्जिन जोड़ूंगा, वो मेरी सेल हो जाएगी। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस बनता है सेल से शुरू होता है, हम ऊपर से नीचे चलते हैं, ये नीचे से ऊपर जा रहा है। इसको बोलते हैं परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड। तो मानो मेरा 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है और मैंने 20 करोड़ उसमें मैंने खर्चा कर दिया, तो 20 करोड़ में मेरा 10% मार्जिन पकड़ा, 25 करोड़ की या 30 करोड़ की मैंने सेल पकड़ ली, कितनी भी सेल होगी वो मेरा एस्टिमेट है। सो इन दीज बिजनेसेस द सेल्स विच यू सी ओवर हियर are prone to heavy element of mismanaged numbers. Heavy element of mismanaged numbers. उसके हाथ की बात है, वो जब चाहे अपनी सेल बढ़ा दे, जब चाहे अपनी सेल घटा दे, बिना कुछ करे, राइट? अब वो कहाँ आ गया विंडो, मुझे ढूंढना पड़ेगा। He has got unbilled revenue.
अगर मेरे पास अनबिल्ड रेवेन्यू हो, मेरे पास अनबिल्ड ट्रेड रिसीवेबल्स भी तो होंगे। और मजे की बात यह है कि मैंने काम कर दिया, बिल उसका रेज नहीं करा और रिसीवेबल मैंने खड़ा कर लिया, और वो रिसीवेबल मेरा आ नहीं रहा, या काम मेरा पुअर क्वालिटी हो गया, या कुछ भी प्रॉब्लम हो गई, उसको मैं पब्लिक को शेयर्स बेच के पब्लिक से पैसा लेके उस अनबिल्ड ट्रेड रिसीवेबल्स को राइट ऑफ कर दूं। वाओ, डबल मैमी इफेक्ट। नो व्हाट ही इज डूइंग इज, नो अंडरस्टैंड दिस, ही सेज द अमाउंट ऑफ रिटेंशन मनी हेल्ड बाय द कस्टमर्स पेंडिंग, वो मैंने सिक्योरिटी डिपॉजिट में दिखा रखा है। और जब वो सिक्योरिटी डिपॉजिट मेरा क्लासिफिकेशन हो जाता है, पेमेंट लेने का टाइम आ जाता है, और वो कंपनी कहती है कि यार आपने काम अच्छा किया, उसको मैं ट्रेड रिसीवेबल्स में वापस दिखा देता हूँ। तो बेसिकली द मनी विच हैज बीन शोड इन सिक्योरिटी डिपॉजिट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स विच इज टू दैट यू नो 17 crores। राइट, कोई ले रहा है क्या ये गंदे को? ले लो ले लो। जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो भी उसका ट्रेड रिसीवेबल्स है। अगर वो ट्रेड रिसीवेबल्स दिखा के मैं अपना सीएजीआर निकालता हूं, तो माय ट्रेड रिसीवेबल्स आर गोइंग मच 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 फास्टर देन सेल्स। सालासर टेक अच्छी कंपनी, अच्छा बिजनेस, आरओई आरओसी अच्छी है, कोई तो ले लो यार, पैसे बन जाएंगे आपके, विल बिकम गुड पोर्टफोलियो ग्रोथ इन दिस। एनी बायर्स, एनी बायर्स इन दिस बिजनेस? टेक्नो फंडा अप्रोच। कोई तो बोलो। सर इसका तो बीच में ये ट्विटर और यूट्यूब के इन्फ्लुएंसर का भी स्कैम बाहर आया था, इसका एक सलासर का पैसे देके उसको पंप करने का और बाद में छोड़ देने का, वो 5G टावर के नाम पे सब वैसा वो उसका। नहीं, इसमें ट्विटर इन्फ्लुएंसर की कोई गलती नहीं है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, उसकी कोई गलती नहीं है, गलती हमारी खुद की है। When we know all this, when we can work on this, when we can study about all this, why do we trust others? गलती हमारी खुद की है, गलती ट्विटर इन्फ्लुएंसर की नहीं है, राइट? करेक्ट है सर। द टेक्नो फंडा अप्रोच, इंजॉय द टेक्नो फंडा अप्रोच। आई होप दिस दिस गिव्स यू सम डिटेल अबाउट सालासर टेक। यस सर।